अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मटर का रायता। इसके लिए हमने ये दही लिया है, इसको हमने छन्नी से छान लिया है। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, ये घर का बना हुआ दही है। गैस पर हमने मटर को उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डाला है। मटर उबल रही है, अभी इसको हम मिक्सर जार में पीस लेंगे डालकर। ये देखिए मटर को हमने उबाल लिया अच्छे से। आप जब भी इसको उबालें तो इसमें सोडा ज़रूर डालें, खाने वाला सोडा, और नमक डालें। इससे इसका कलर बहुत अच्छा रहता है, कलर नहीं ख़राब होता है। इसको अब हम पीस लेंगे। ये देखिए मटर का पेस्ट बनके रेडी है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, 2 से 3 चम्मच। हम दही में अब मटर के पेस्ट को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम काला नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप डालें, सफ़ेद वाला भी नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च के पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। इसको हमने भून कर पीस लिया है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम तड़का लगाएंगे। चलिए तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करके हमने पैन रख दिया है, तड़का पैन। इसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब, और तेल को गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे जीरा, आप चाहें तो जीरा और सरसों के दाना और हींग भी डाल सकते हैं। ये तड़क चुका है, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। अब इसको हम दही में डाल देंगे। ये देखिए रायता रेडी है, हरी मटर वाला। ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। और इसको बनाएं और हमें बताएं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।